करके उसने हमें आवाज दी कि पापा देखना क्या है। हम गए देखा तो वहाँ वो ऐसे लेटा हुआ। डर तो बना हुआ रहता ही, मुझे बताओ मतलब जो ये चीज ऐसी 10-12 फीट तो होगा, 10-12 फीट का लगभग गंदाज है। नमस्कार, मैं मधुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में अजगर निकल आया एक घर में और उसके बाद पूरा दहशत का माहौल बना हुआ है। अभी तक उस अजगर को पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन वो अजगर जो परिवार है उनका यही कहना है कि यहीं पर हो सकता है। अब कहाँ है कहाँ नहीं है इस बात का तो पता वन विभाग ही लगाएगा, वन विभाग को इत्तला भी किया गया है, लेकिन आज गंगा दशहरा की छुट्टी होने के चलते वन विभाग अभी नहीं पहुँचा है। कल पहुँचेगा या जब भी अपने जो कार्य दिवस होगा उसमें पहुँचकर जो आगे की कार्रवाई करेगा। फिलहाल अभी जो परिवार है वो दहशत में है, क्योंकि वो अजगर एकाएक इनके परिवार के सदस्य को दिखता है और फिर एकदम से गायब हो जाता है। लगभग 10 फीट लंबा ये पूरा अजगर था और उसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम होता है तो कहीं ना कहीं अभी भी वो दहशत का माहौल लगातार जो है बरकरार है। और उसके बाद अभी देखा जा सकता है साफ तौर पर ये वो परिवार के सदस्य हैं जो घर से बाहर खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इनको एक डर महसूस हो रहा है। फिलहाल अब वो है या नहीं है लेकिन अभी तक नज़र नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर तो बना हुआ ही है। फौरी तौर पर इन्होंने वन विभाग को सूचना भी की है, लेकिन अभी तक उस पर आज की छुट्टी होने के चलते कोई आगे कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्या कुछ हुआ था, कब की ये पूरी घटना थी और कैसे इनको ये पता चला था, आइए जानते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम आनंद कुमार शर्मा है और मैं जब बाहर अंदर था जी। अंदर से मेरे लड़के ने आवाज़ दी पापा देखो क्या है, तो मैं उधर आया, जीने पे मैंने देखा एक ऐसा लंबा सा कई कलावाजी खींचे हुए मतलब गोली गोली से जी। था तो वो सर्प दिखा। कितना लंबा होगा वो? अब लंबाई तो देखिए मैं नहीं नाप पाया क्योंकि वो जीने में गोली गोली का कितना लंबा दिख रहा होगा? 10-12 फीट तो होगा। 10-12 फीट का लगभग? हाँ, एक अंदाज है। एक अंदाज? हाँ। बस कब की ये घटनाक्रम थी, ये शाम की थी सुबह की थी? नहीं, ये रात की है सर। रात की घटना थी। लाइट आ रही थी क्या उस वक्त? नहीं, लाइट नहीं आ रही थी। लाइट नहीं आ रही थी। तो जो आपके जो सुपुत्र थे वो ऊपर गए हुए थे? वो ऊपर गए थे और वो जब आते हैं तो थोड़ा जाते हैं हवा में जी, इसलिए फिर वो वहाँ अपने आ रहे होंगे जी। तब तो उन्हें देखा, बोले अरे ये क्या है, तो एक हमारे मित्र हैं तो उनका आवाज़ दी, हमें आवाज़ दी, तो हमने बेटा क्यों क्या बात है, बोले यहाँ कुछ ही है, तो पैड़ी पे वो ऐसे करके लेटा हुआ था बस। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर वो नहीं, फिर हमने कुछ नहीं किया, उसने हमें आवाज़ दी कि पापा देखना क्या है। हम गए देखा तो वहाँ वो ऐसे लेटा हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद से कभी नज़र नहीं आया? फिर नहीं आया नज़र, वो कैसे चला गया कैसे चला गया ये नहीं मालूम, लेकिन एक डर का माहौल। हाँ, डर तो अभी है कि कहीं से निकल जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं, क्या नहीं। ये हम लोग लेटे हुए तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमने सांप देखा आएगा दीवार पे, फिर मैंने कहा था अंदर जाए देख लो, ये कोई लकड़िया से आए थे, कोई बुला के लाए थे, जानते हो? हाँ, एक जना को उसके बाद बुलाया, फिर उसके बाद देख दा के चले गए थे बस। पकड़ने में नहीं आया और बाद में दिखा भी नहीं? नहीं, डर तो बना हुआ रहता ही, मुझे बताओ मतलब जो ये चीज़ ही ऐसी, वो तो पूरी गली में डर आएगा।